हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही कांग्रेस पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बात करें झज्जर विधानसभा की, जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन अब यहां भी एक युवा कांग्रेस नेता वर्तमान विधायिका की सिरदर्दी का सबब बन चुका है। हम बात कर रहे हैं संजीत कबलाना की, जो कि झज्जर विधानसभा में लगातार तीन बार की विधायिका गीता भुक्कल के सामने एकमात्र और मजबूत टिकट दावेदार हैं। पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़े संजीत कबलाना, जो कि दीपेंद्र हुड्डा को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, साथ ही कांग्रेस की नीतियों को भी जन जन तक पहुंचाकर पार्टी को मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं। बात चाहे पिछले चुनाव की हो या फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाने की, हर तरह से पार्टी की कसौटी पर खरा उतर रहे हैं। यही कारण है कि आज के दिन संजीत झज्जर विधानसभा में जनता की पहली पसंद बन चुके हैं। हालांकि संजीत की कांग्रेस टिकट पर दावेदारी कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि हर गांव, हर घर, हर दहलीज पर उनको अच्छा खासा जन समर्थन मिल रहा है। वर्तमान विधायक के सामने एकमात्र दावेदार होने के कारण दिन प्रतिदिन जनाधार भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत ही कम समय में इन्होंने जनता के दिलों में जगह बना ली है। फिलहाल युवा कांग्रेस नेता संजीत कबलाना 20 अगस्त को दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में झज्जर पहुंच रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को सफल बनाने व दमखम दिखाने के लिए जी जान से जुटे हैं। हरिद्वार तक पहुंचकर आम जन को यात्रा का निमंत्रण देने के अलावा कांग्रेस की नीतियों से अवगत करवा रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में झज्जर सीट से पार्टी को पिछले चुनाव से भी अधिक मजबूती से जिताया जा सके। खुद संजीत कबलाना का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट के लिए सही उम्मीदवार के चयन का जो तरीका अपनाया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इसमें न केवल टिकट वितरण में समन्वय बैठेगा बल्कि पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। पुराने या बार बार हारने वाले नेताओं को टिकट ना मिलने का भय जरूर सता रहा है, परंतु ऐसे में राजनीति के अंदर युवाओं की भागीदारी भी पिछले चुनाव के मुकाबले में काफी बढ़ गई है। ऐसे में ये कहना भी उचित होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जनता की कांग्रेस में रुचि बढ़ती जा रही है। परंतु झज्जर से कांग्रेस टिकट के एक और मजबूत दावेदार संजीत अपनी मुहिम में कितना सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। झज्जर से विनय सिंधु की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज 24।